सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर। सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोज सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सके। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करेंगे। पहला, रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलिसिस। दिस इज व्हाट द ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस, अगेन मैं वही कह रहा हूं कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो की पॉइंट्स होते हैं मैं उन्हीं को फोकस करके करूंगा क्योंकि क्वेश्चंस जनरली उन्हीं की पॉइंट्स से पूछा जाता है। पहला चीज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है ये? फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज यूज होता है। कौन सा यूज होता है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एटीपी यहाँ पे यूज होता है। एक एटीपी यूज होता है। एक एटीपी क्या होता है? यूटिलाइज होता है। हेक्सोकाइनेज एक एटीपी यूटिलाइज होता है। नाउ ये स्टार मार्क कर रहा हूं क्यों, इसके पीछे मैं अभी कुछ देर बाद वजह बताऊंगा। दिस इज व्हाट, ये सिंगल डायरेक्शनल स्टेप होता है, जबकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ये स्टेप जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। उसके बाद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको क्या बोला जाता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आपने इसको तो इतना पढ़ा होगा बचपन से लेकर, रेस्पिरेशन तो हर जगह पढ़ते, प्लांट में भी पढ़ते हैं, आपके यहाँ पे भी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। सो प्लांट में, फिजियोलॉजी में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। रेस्पिरेशन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो यहीं पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, ये इस तरीके से चलता है। फिर फॉस्फोग्लिसरल, ये सारी चीजें चलती हैं। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज है, पीजीआई जो होता है, फिर एल्डोलेज इसको कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को किसमें? ग्लिसरल डी 3-फॉस्फेट में या डाई हाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट में, और इसको आइसोमरेज एक दूसरे में कन्वर्ट करेगा। फिर ग्लिसरल डी 3-फॉस्फेट 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में होता है, जहां पे ये आपका होता है 2NADH यहां पे बनता है। 2NADH बनेगा, प्लस का मतलब बन रहा है, माइनस का मतलब यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। प्लस का क्या मतलब है यहां पे, अगर मैं बात करूं तो प्लस का मतलब है बनना, दैट इज व्हाट मेक हो रहा है, एंड माइनस का मतलब है यूटिलाइज। प्लस के मतलब की अगर बात करूं तो प्लस इज लाइक प्रोडक्शन, प्लस का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है। अगर प्लस का मतलब है फॉर्मेशन एंड माइनस का मतलब है यूटिलाइजेशन, ठीक है। नाउ प्लस टू, ये सारी चीजें चलेंगी वहां पे। फिर ये जो होता है उसके बाद फॉस्फो, ये 2 ATP बनता है 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर इनोलेज, फिर पाइरुवेट काइनेज आता है। पाइरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, ये तीन ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं यहाँ पे, रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये कैसे एंजाइम्स हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स, दैट इज व्हाट, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज, इनका एक एक्टिवेटर होता है, एक एक्टिवेटर होता है और इनहिबिटर होता है। एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर होते हैं इस तीनों एंजाइम्स के। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि तीन स्टेप्स पे, जहां पे हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोप्रक्टोकाइनेज बनता है, यहाँ पे एटीपी, एटीपी क्या होता है, यहाँ पे एटीपी जो होता है यूटिलाइज होता है, और पाइरुवेट काइनेज पे एटीपी, दो एटीपी बनते हैं।
दो एटीपी एक्स्ट्रा बनता है वो कहां पे बनता है, इस स्टेप पे। और ये जो एटीपी बनता है, ये एटीपी क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोवाइड करने वाला फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप है कौन सा, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ग्लिसरलडिहाइड फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे जो फॉस्फेट जुड़ता है ये फॉस्फेट देने वाला होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4-, इससे आता है PI इस पर्टिकुलर स्टेप पे, जहां पे कि एक फॉस्फेट बिस फॉस्फोग्लिसरेट में आता है, एक एक्स्ट्रा बाई में जो आता है एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट, वो इनऑर्गेनिक तरीके से आता है, एटीपी से नहीं आता। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, जो हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर होता है। हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर, अगेन बता दे रहा हूं कि एक्टिवेटर वो लोग होते हैं पहले बनते हैं, और इनहिबिटर जो होते हैं वो बाद प्रोडक्ट वाले पार्ट होते हैं जो आगे बन रहे हैं। सो इनहिबिटर की बात करते हैं तो हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर क्या होता है, एटीपी। एटीपी होगा तो हेक्सोकाइनेज नहीं बनेगा। एक्टिवेटर क्या होगा, एक्टिवेटर होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा तो ये एक्टिवेटर का काम करेगा जी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट एंजाइम। जिस इनहिबिटर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी आता है, कौन आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंजाइम एंड फीडबैक इनहिबिट कर देगा। नाउ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में इसका क्या एक्टिवेटर होगा, इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिटर की बात करते हैं, एक्टिवेटर की बात करेंगे तो एक्टिवेटर में आपका ग्लूकोज हो ही सकता है। इसके अलावा एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटर होता है। इसको मैंने तरीका भी आपको बताया था, क्या तरीका मैंने आपको बताया था, वो तरीका क्या था कि 26 के उम्र में आपको फेसबुक चलाने दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन 16 जो होता है तो ये सारी चीजें इनहिबिट की जाती है आपके पेरेंट्स के द्वारा। तो इनहिबिशन जो होगा ये प्रोडक्ट होगा 1,6 जो होगा वो इनहिबिटर होगा, 1,6 जो होगा वो इनहिबिटर होगा। यहाँ पे एक्टिवेटर में एएमपी होगा, इनहिबिटर में 1,6 होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और एटीपी होगा, एटीपी भी होगा। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, जैसे साइट्रेट का नाम सुना हुआ है, साइट्रेट भी इनहिबिटर होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का। एटीपी, साइट्रेट और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए इनहिबिटर एक्ट करते हैं। पाइरूवेट काइनेज के लिए एएमपी एज अ एक्टिवेटर होगा, एटीपी इनहिबिटर होगा इसका भी, और साइट्रेट इनहिबिटर होगा, जो कि इनहिबिटर किसका होगा, पाइरूवेट काइनेज का। ये सारी चीजें की पॉइंट्स है जो कि ग्लाइकोलिसिस में आपको करना है। 3 एंजाइम्स जिनके बारे में पता होना चाहिए, क्या एक्टिवेटर क्या इनहिबिटर है, एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या है। एक्टिवेटर पहले जो सबस्ट्रेट वाले पार्ट होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं, जनरली जो सबस्ट्रेट वाले पार्ट होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं, और जो प्रोडक्ट वाले पार्ट होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज लेकिन जनरली ये चीज होती है। अगेन आई एम मेंशनिंग यू जनरली, ठीक है। नाउ आगे मैं मूव करता हूं, अगर ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट। एक चीज देखने की कोशिश करिएगा वो चीज है क्या, दैट इज व्हाट, कि यहाँ पे दो फेजेस होते हैं। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले किसमें, पहले कन्वर्ट होता है 3PGAL में, फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। ये जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है इस पाथवे को, ग्लाइकोलिसिस को। ईएमपी पाथवे 3 साइंटिस्ट के ऊपर होता है, एक होता है प्रिपरेटरी फेज, क्या बोला जाता है, प्रिपरेटरी फेज, एक होता है प्रिपरेटरी फेज 3PGL के बाद, और उसके बाद जो फेज आता है यहां से ये बनता है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल बनेगा, और उसके बाद पाइरूवेट बनता है 2 मोल। पाइरूवेट कितना बनेगा, पाइरूवेट भी बनता है 2 मोल, 1 मोल ग्लूकोज से, 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पाइरूवेट बनता है, और इसको बोलते हैं दूसरे फेज को, बोलते हैं 5 स्टेप्स को। इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, ठीक है, और इसमें भी 5 स्टेप्स आता है, ये 10 स्टेप्स का पाथवे होता है ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस। दूसरे को बोलते हैं पे ऑफ फेज, क्या बोला जाता है, पे ऑफ फेज बोला जाता है। प्रिपरेटरी फेज में -2 ATP जो होता है वो यूज होता है, पे ऑफ फेज में +4 ATP बनता है, पे ऑफ फेज में +4 ATP एंड 2 NADH। इज इट क्लियर, ये होता है पूरा ग्लाइकोलिसिस का समरी, समझ में आ गई बात। इसमें जो 3 एंजाइम होते हैं वो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पाइरूवेट काइनेज, ये पहले स्टेप पे, ये 3rd और ये 10th स्टेप पे यूज होता है।
हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।